इंडियन रिपोर्ट्स एसोसिएशन ने जुलूस निकालकर सीओ नानपारा घेराव कर दिया ज्ञापन। लगभग दो घंटे ज्ञापन लेने नहीं आए एसडीएम। डीएम से वार्ता के बाद ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम, नहीं दिया कार्रवाई का कोई आश्वासन। नानपारा बहराइच घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज रिपोर्ट्स एसोसिएशन ने कोतवाली नानपारा के उप निरीक्षक रवि यादव, अनुराग प्रताप सिंह, आरक्षी संतोष चौधरी द्वारा ईरा के मुख्य प्रदेश संगठन सचिव जिब्राइल खान के साथ में की गई अभद्रता किए जाने के संबंध जुलूस निकालकर एसडीएम नानपारा को पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के संबंध में राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान भी पत्रकारों के प्रति लापरवाही स्थानीय प्रशासन की देखने को मिली। ज्ञात हो कि तीन दिन पूर्व ही कार्यक्रम की लिखित जानकारी एसडीएम नानपारा को दी गई थी, मगर उसके बावजूद दो घंटे तक पत्रकार उप जिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी करते रहे और धरने पर बैठ गए। जब डीएम से वार्ता की गई, एसडीएम ज्ञापन लेने पहुंचे और ज्ञापन लेकर तुरंत निकल गए। आश्वासन के दो शब्द भी एसडीएम ने पत्रकारों से नहीं कहे। इससे साफ जाहिर होता है नानपारा प्रशासन पत्रकारों को बिल्कुल सम्मान देने के पक्ष में नहीं है। बताते चलें कि ईरा से जुड़े पत्रकारों का कार्यक्रम नगर पालिका परिषद नानपारा के मैरिज हॉल में सुबह 10 बजे से शुरू हो गया। 12 बजे पत्रकार जुलूस निकालकर सीओ नानपारा के ऑफिस पहुंचे। सीओ ऑफिस का घेराव कर पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। उसके उपरांत कोई भी मजिस्ट्रेट जब ज्ञापन लेने नहीं आया तो सभी पत्रकार एसडीएम नानपारा के कार्यालय पर जाकर धरने पर बैठ गए, मगर दो घंटे तक पत्रकारों का ज्ञापन लेने कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं आया तो पत्रकारों ने इसकी शिकायत डीएम से की। तब दो घंटे के बाद एसडीएम नानपारा राम आश्रय वर्मा आनंद फानन में ज्ञापन लेने पहुंचे तो पत्रकारों ने ज्ञापन पढ़कर सुनाना चाहा तो एसडीएम ने सुनने से इनकार कर दिया और ज्ञापन लेकर बिना कोई आश्वासन दिए गाड़ी में बैठकर चले गए। इससे पत्रकारों में और भी अधिक रोष व्याप्त हो गया। इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली ने कहा कि जब एक मजिस्ट्रेट का रवैया पत्रकारों के प्रति इस प्रकार का है तो पुलिस कर्मी पत्रकारों को कहां सम्मान देंगे। सौंपे गए मांग पत्र में कोतवाली नानपारा के दरोगा रवि यादव, अनुराग प्रताप सिंह, सिपाही संतोष चौधरी को निलंबित करने, पत्रकारों के साथ अभद्रता करने वाले अधिकारियों पर 24 घंटे में कार्रवाई किए जाने, पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज न करने सहित 10 मांगें शामिल रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली ने कहा कि तीन दिन में मांग पत्र पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो ईरा के पत्रकार भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ईरा संरक्षक आर के वर्मा, इस्माइल अंसारी, शास्त्र तिवारी जिलाध्यक्ष सिराज अहमद, मंडल अध्यक्ष श्याम कुमार मिश्रा, तंजील शेख, दिलशाद फैजी, अब्दुल नासिर, सुमन राय, भगवती वर्मा कलीम, अब्बास मुस्तफ़ा, भूपेंद्र सिंह, शेर खान कलीम अब्बासी, एम इकरामुल जिला अध्यक्ष, श्रावस्ती वसीम खान, रजा फरीद खान, प्रिंस मिश्रा, लड्डन खा पत्रकार उपस्थित रहे। नहीं हो पाएंगे, मगर आज बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि हम पत्रकारों को आज सड़क पर निकलने की नौबत आ गई है और तीन दिन पहले उप जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी गई थी कि हम सीओ नानपारा का घेराव करके मांग पत्र देंगे, मगर यहाँ पे मांग पत्र लेने की कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं दिखाई दे रही है। तो जब तक के उप जिलाधिकारी महोदय नानपारा हम पत्रकारों का मांग पत्र लेने नहीं आते हैं और दूसरे पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के लिए आश्वासन नहीं देते हैं, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन नहीं हो पाएंगे, मगर आज बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि हम पत्रकारों को आज सड़क पर निकलने की नौबत आ गई है और तीन दिन पहले उप जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी गई थी कि हम सीओ नानपारा का घेराव करके मांग पत्र देंगे, मगर यहाँ पे मांग पत्र लेने की कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं दिखाई दे रही है। तो जब तक के उप जिलाधिकारी महोदय नानपारा हम पत्रकारों का मांग पत्र लेने नहीं आते हैं और दूसरे पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के लिए आश्वासन नहीं देते हैं, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।